खराब ना करें। अनस हक्कानी ने ये बात कही है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल से युद्ध भड़का रहा है भारत। अनस हक्कानी ने ये भी कहा 36 करोड़ के इनामी पाक के पिट्ठू हैं। अनस हक्कानी की भारत को अब धमकी भी है कि अफगानियों का सच्चा मित्र नहीं है भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान से दूर रहे इंडिया, ये कहा है अनस हक्कानी। इनामी जहर उगले हक्कानी, पाकिस्तान का पिट्ठू हिंदुस्तान को दे धमकी। लगता है तालिबान को गुमान हो गया है कि जिस तरह से उसने अफगानिस्तान में तबाही मचाई है, वैसी ही तबाही वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में मचा सकता है। इस वक्त तालिबान सरकार के कई आतंकी भारत से खफा नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जब पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है तो फिर भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता क्यों नहीं दे रही है, और इसलिए अब तालिबान हक्कानी गुट के अनस हक्कानी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है और धमकी भी दी है। अफगानिस्तान के जंग जंगी नियाजी के इशारे पर शेर से लड़ेगा गिदड़। काबुल में लगाई आग, अब शांति का राग। 36 करोड़ का इनामी आतंकी अनस हक्कानी भारत को आना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। पाकिस्तान के जमूरे बने तालिबानी कमांडरों को लगता है कि वो भारत को अपनी धमकियों से दबा लेंगे। नियाजी इमरान खान और भाजपा की कठपुतली बन चुकी तालिबान सरकार इस वक्त भारत के खिलाफ इसलिए भी जहर उगल रही है क्योंकि उसे पाकिस्तान की सख्त जरूरत है। जबकि भारत ने तालिबानियों को उनकी औकात दिखाते हुए साफ कर दिया कि भारत अफगानियों के साथ है, तालिबानी आतंकियों के साथ नहीं, और शायद यही वजह है कि अब आतंकी अनस हक्कानी भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। अफगानिस्तान का अमन रहा है,